नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। भू माफिया जमीन कब्जाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ करते हैं। आपने भी सुना होगा कि कभी जमीन के नकली कागजात बनवाते हैं तो कभी खुद के नाम के, लेकिन क्या कभी सुना है कि भू माफिया दूसरे का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा दे। कमाल की बात, जिसका सर्टिफिकेट बना उसे खबर ही नहीं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। कमाल की बात, जिसका डेथ सर्टिफिकेट बना है वह खुद सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट कर बता रहा है कि मैं जिंदा हूँ। पूरा मामला है 90 वर्षीय कृष्णानंद सरस्वती का। शादो कृष्णानंद स्वस्थ और जीवित हैं, लेकिन उन्हें ये जानकर गहरा सदमा लगा कि सरकारी कागजों पर वह मृत बतौर दर्ज हैं। नतीजन बीते 6 माह से वह सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि वह मरे नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। कृष्णानंद का आरोप है कि स्थानीय भू माफिया ने फिरोजाबाद नगर निगम के कुछ कर्मचारियों से सांठ गांठ कर बीते साल नवंबर में उनका डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया। भू माफिया हुमायूंपुर इलाके में स्थित मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहता था, जिसकी देखरेख का जिम्मा कृष्णानंद के पास है। इसके लिए ही उसने कृष्णानंद का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर में 22 दुकानें हैं और साधु कृष्णानंद बीते 4 दशकों से इसी मंदिर में रह रहे हैं। अब कृष्णानंद स्थानीय अधिकारियों के चक्कर काट अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी कागजों पर उन्हें मृत ही दिखाया जा रहा है। कृष्णानंद के मुताबिक सरकारी कागजों पर उनके मृत होने की जानकारी 6 महीने पहले हुई। उनका आरोप है कि फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के जरिए कुछ लोगों का इरादा मंदिर की जमीन कब्जाने का है। इसका पता चलते ही कृष्णानंद ने इस बाबत निगम आयुक्त को एक शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। हालांकि निगम आयुक्त घनश्याम मीणा कहते हैं कि निगम ने बीते साल फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जारी करने संबंधी उनकी शिकायत का संज्ञान ले लिया है। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सबकी नजर है, लेकिन ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इस तरह गलत डेथ सर्टिफिकेट बनने के पहले भी मामले सामने आए, लेकिन उनमें और इसमें अंतर ये है कि अब तक गलती से डेथ सर्टिफिकेट बनने के मामले सामने आए थे, या फिर लोग पैसों के चक्कर में अपना है या अपने परिजनों का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। लेकिन ये शायद पहला मामला होगा कि भू माफिया ने किसी और का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथ ही साथ विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsasiantv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।